सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने कंप्यूटर में जाना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल के जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम को ऑन करेंगे, ठीक है। गूगल क्रोम को ऑन करने के बाद आपको टाइप करना है बैकग्राउंड रिमूवर, जहाँ से आप अपने इमेज के बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं। कोई भी इमेज हो, किसी भी प्रकार का इमेज हो, बैकग्राउंड जैसे रिमूवर आप यहाँ पर टाइप करेंगे तो देखिए यहाँ पर आ गया बैकग्राउंड रिमूवर। सबसे पहले वाला जो ऑप्शन है ना, बैकग्राउंड रिमूव फ्रॉम इमेज फॉर फ्री, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप क्या करेंगे, अपलोड इमेज वाले ऑप्शन, ये जो अपलोड इमेज है इस पर आपको क्लिक करना है। जिस इमेज का बैकग्राउंड आपको इरेज करना है वो इमेज आप ले लीजिए। इमेज लेने के बाद आप क्या करिए, ओपन पे क्लिक करिए। जैसे ही आप ओपन पे क्लिक करेंगे आपका जो इमेज का बैकग्राउंड है वो इरेज हो जाएगा। कोई भी बैकग्राउंड हो, किसी भी प्रकार का इमेज हो, उसका बैकग्राउंड बहुत ही आसानी से इरेज हो जाता है। देखिए इसका बैकग्राउंड इरेज हो गया। अब इरेज होने के बाद एडिट वाले ऑप्शन पे जाइए। अगर कोई आप स्टूडियो चलाते हैं, कोई फोटो एडिट करने के लिए आपको बोलता है बैकग्राउंड आपको हटाना है, तो एक बार में ऐसे इरेज कर सकते हैं। इरेज करने के बाद कलर वाले ऑप्शन पर आ जाइए। देखिए सिंपल कलर, सिंगल कलर, जो कलर आपको डालना है कलर डालिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। शेयर करने से क्या होगा, आप तो सीखेंगे ही, आपके दोस्त लोग भी सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखिए कितना मस्त ये इमेज हो रहा है ना, लग नहीं रहा है कि इसका जो है सो बैकग्राउंड हम इरेज कर रहे हैं। देखिए क्या मस्त, कितना मस्त हो रहा है। जो भी फ़ोटो का बैकग्राउंड आपको चाहिए वैसा बैकग्राउंड आप यहाँ से रख सकते हैं, ठीक है। पहला तो ये कलर हो गया कि सिंपल कलर आप रख सकते हैं बैकग्राउंड। देखिए सिंपल कलर बैकग्राउंड, सिंपल कलर के बाद यहाँ पे आप फोटो पे क्लिक करिए। फोटो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आप डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड की बात करते हैं, तो जो डिज़ाइन चाहिए आपको उस डिज़ाइन पे आप क्लिक कर लीजिए। देखिए आ गया ये डिज़ाइनिंग बैकग्राउंड, जो डिज़ाइन आपको चाहिए उस डिज़ाइन पे आप क्लिक कर लीजिए ताकि फ़ोटो आपका नेचुरल दिखे। देखिए ठीक है, लग रहा है नेचुरल फ़ोटो खिंचवाया हुआ, एकदम बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि आपने फ़ोटो यहाँ पे नहीं क्लिक किया हुआ है, पूरा नेचुरल फ़ोटो दिखेगा। आप इस प्रकार से किसी भी इमेज का बैकग्राउंड को इरेज कर सकते हैं और आसानी से आप अपने फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पे भी आपको लगाना हो फ़ोटो को लगा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत मस्त एप्लीकेशन है, आप इसका यूज करके देखिए। पहला तो ये एप्लीकेशन हो गया जहाँ से आप क्या करेंगे, बैकग्राउंड को इरेज करेंगे। बैकग्राउंड को इरेज करने के बाद आपको जो भी बैकग्राउंड का ये डिज़ाइन आपको अच्छा लगे वो डिज़ाइन ले लीजिए। लेने के बाद यहाँ से डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है। इमेज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए सेव करने का ऑप्शन दे रहा है, सेव। अब आपका कंप्यूटर में क्या हो गया, वो ना सेव हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए डेस्कटॉप पर मेरा सेव हो गया इमेज। ये देखिए कितना मस्त लग रहा है, पता चल रहा है कि कटिंग किया हुआ है, कहीं से भी कटिंग किया हुआ पता चल रहा है, बहुत मस्त इरेज होता है। तो इस प्रकार से पहला एप्लीकेशन ये था बैकग्राउंड रिमूवर, जिसके सहायता से आप किसी भी इमेज के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा एप्लीकेशन के बारे में जो बताऊंगा ना, बहुत इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है।